के अंदर दो बड़े चम्मच ज्वार का आटा ले रही हूँ, इसमें एक बड़ा चम्मच गेहूं का आटा ऐड करेंगे और एक बड़ा चम्मच बेसन लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे अराउंड 1 टीस्पून और एक पिंच हल्दी। अब हम इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे, आप चाहे तो काली मिर्च का पाउडर भी ले सकते हो या फिर पेपर कॉर्न्स को इस तरह से फ्रेशली क्रश करके भी डाल सकते हो। ऐसा करने से ब्लैक पेपर का टेस्ट और भी ज्यादा इन्हांस हो जाता है। तो अब हम इसमें धीरे धीरे करके पानी ऐड करेंगे और इसका एक पेस्ट रेडी करेंगे। साथ के साथ एक विस्कर की हेल्प से आप इसे स्टर करते रहिए ताकि इसमें लंप्स नहीं बने। और अब बारी है इसमें वेजिटेबल्स ऐड करने की। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जी ले सकते हो। मैं यहाँ पर बारीक कटे हुए बीन्स, गाजर, इसके बाद कैप्सिकम और फिर कैबेज ऐड कर रही हूँ। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अगर आपको पानी कम लगे तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से और ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा चीले का बैटर रेडी हो चुका है। कोशिश करें कि इसे 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके साइड में रख दें, बट अगर आपको जल्दी है तो आप साथ के साथ भी बना सकते हैं। तो मैंने गैस में कास्ट आयरन का तवा रखा है और उस पे हम थोड़ा सा घी ऐड करेंगे। घी को अच्छे से फैला लेंगे और इसके बाद एक करछी की हेल्प से चीला के बैटर को इसके ऊपर प्लेस करेंगे। बहुत ही हल्के हाथों से उसे बाहर की तरफ स्प्रेड करेंगे और एक सर्कुलर शेप देंगे। इसे हमने मॉडरेटली थिक रखना है, बहुत ज्यादा पतला भी नहीं और मोटा भी नहीं। इसके ऊपर थोड़ा सा घी और ड्रिजल कर सकते हैं और लो फ्लेम पे इसे पकाएंगे। एक साइड से पकने के बाद इसे टर्न करेंगे। आप देख रहे हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये। दूसरी तरफ से भी अच्छे से पकाएंगे। और बहुत ही जेंटली इसे हम निकाल लेंगे। इसी के साथ हमारा चीला तैयार है, जिसे आप घर के बनी हुई मिंट या फिर इमली की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। आप देख सकते हो ये चीला कितना सॉफ्ट बना है। ये खाने में भी बहुत ही डिलीशियस है और हेल्दी तो है ही।